ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इसमें हम नेमिंग रिएक्शन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आज ये वीडियो हमारी इसलिए और भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें मैं इतनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन देने वाला हूं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 11th क्लास एंड 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो इसे शुरू से लेकर एंड तक देखें। तो बिल्कुल भी आप इससे वीडियो को स्किप ना करें, आप इसे पूरा देखें। और हाँ, एक बात और याद रखें, हाई स्कूल के स्टूडेंट्स जो है उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए ठीक है, देखते हैं कौन कौन सी रिएक्शन हमारे पास में है। ओजोनीकरण, तो सबसे पहले जो हमारे पास रिएक्शन है वो है ओजोनीकरण। इसे इंग्लिश में कहते हैं ओजोनडाइसिस। इसके अंदर क्या होता है आपको याद रखना है, इसके अंदर ये होता है कि कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर मैनी बॉन्ड्स हुआ करते हैं, मैनी का मतलब डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड में ये लागू नहीं होता है, ये सिर्फ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स में लागू होता है, जैसे एल्कीन या एल्काइन। ऐसे कंपाउंड को जब हम ओजोन यानी कि O3 के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमारे पास में कुछ कंपाउंड बनते हैं, तो वही आज हम देखेंगे कि ओजोनीकरण में आखिर होता क्या है। चलिए देखते हैं, जैसे मेरे पास में यहां पर कोई कंपाउंड है डबल बॉन्ड CH2। अब ये डबल बॉन्ड इसके अंदर आया हुआ है यानी कि ये एल्कीन कंपाउंड है, इसकी रिएक्शन हम ओजोन से कराएंगे। ओजोन का फॉर्मूला आपको पता है O3 होता है, तब हमें बताना है कि आखिर क्या चीज हमारी बनने वाली है। ठीक है, तो देखिए करना क्या है, इसका बहुत ही ज्यादा सरल तरीका यह है कि जब हम ओजोन से इसकी रिएक्शन कराते हैं तो ये बॉन्ड हमारा ब्रेक हो जाएगा, ये टूट जाएगा। जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो कुछ हमारा सिस्टम इस तरीके का दिखेगा कि एक कार्बन है और कार्बन के पास जो हमारे दो ये हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं कार्बन से, इनको मैं इस तरीके से लगा देना चाहता हूं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। एक कार्बन ये है, यहां भी मैंने आपके दो हाइड्रोजन इस तरह से लगा दिए, देखिए अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो। ठीक, इसमें जो हमने बॉन्ड तोड़ा है, ये बॉन्ड जब टूटेगा तो हमारे दो दो इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन इसके और दो इलेक्ट्रॉन इसके फ्री हो जाएंगे। ठीक, ध्यान से समझ लीजिए, जब ओजोन से रिएक्ट करेगा तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, डबल बॉन्ड है इसलिए दो दो इलेक्ट्रॉन दोनों के बचेंगे। ठीक, क्योंकि ये तभी तो ऐसे करके रिएक्ट करता तभी तो डबल बॉन्ड बनता। हमारे पास तीन ऑक्सीजन है तो एक इस तरह का सिस्टम बनता है इसके अंदर कि देखिए एक ऑक्सीजन हमारा ऊपर आता है एक एक बॉन्ड से जुड़ता है। ठीक, एक ऑक्सीजन हमारा नीचे आता है इससे सिंगल बॉन्ड से जुड़ता है, एक ऑक्सीजन हमारा यहां आता है और एक आपस में इस तरह से जुड़ता है। तो ये सबसे पहले इसमें रिएक्शन हुआ करती है। ठीक है, फिर एक बार देख लीजिए, डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा, टूटेगा हमेशा डबल बॉन्ड ही, आपको डबल बॉन्ड ही ब्रेक करना होता है क्योंकि टूटता ही इसमें डबल बॉन्ड है। तो यहां से डबल बॉन्ड जब टूटेगा तो इनके दो दो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे। अब ये दो दो इलेक्ट्रॉन किसी ना किसी से रिएक्ट करने की कोशिश करेंगे क्योंकि ऑक्टिक रूल हमारा कहता है, तो ये दोनों बैलेंस ही पूरी करना चाहेंगे। तो एक यहां से पूरी करी, एक यहां से पूरी करी, ऑक्सीजन के पूरे हो गए, एक एक इलेक्ट्रॉन और बचा, एक यहां से करा इस ऑक्सीजन ने, एक इससे करा और एक इससे करा इस वाले ने, इनके भी आठ आठ पूरे हो गए। तो यहां पर सबके आठ आठ पूरे हैं, हाइड्रोजन के दो पूरे हैं, इसका मतलब ये हमारा बॉन्ड बिल्कुल सही है। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती है, ये रिएक्शन अभी और आगे को चलेगी, ये रिएक्शन अभी और आगे को चलेगी। और आगे को क्या चलेगी, देखिए जब हम इसको वॉटर के साथ और जिंक की प्रेजेंटेशन में जब हम इसको गर्म करते हैं तो क्या होता है कि जो हमारा जल है वाटर है ये इस ऑक्सीजन को लेकर निकल जाता है। किस रूप में, हम नीचे यहां लिख देता हूं मैं आपको किस रूप में निकलेगा, ये देखिए ये यहां से ओ एक यह है, एक यह है, दो ओ हो जाएंगे तो कितने ओ को लेकर निकला, H2O2। राइट, उसके पास हमारा जो पार्ट, इतना पार्ट हमारा अलग हो गया और इतना पार्ट हमारा ये अलग हो गया। ठीक, जब ये दोनों अलग हो गए तो जरा सोचिए क्या क्या बन सकता है, मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूं, H2O2 प्लस, देखिए इस कार्बन का दो हाइड्रोजन हमारे जुड़े हुए हैं इस कार्बन से। ठीक, ये बॉन्ड तो हमारा टूट गया, खत्म हो गया क्योंकि ये ऑक्सीजन को लेकर यहां निकल गया, तो यहां से ये बॉन्ड खाली हो गया, तो यानी कि इसकी एक बैलेंसी खाली हो गई। ठीक, यहां से ये जो इतना एरिया है यहां से ये खाली हो गया, यानी कि ऑक्सीजन वाला ये बॉन्ड तो जिंदा है लेकिन इससे जो जुड़ रहा था वो बॉन्ड टूट गया, तो यहां पर इस तरह से दोनों के एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा। अब आप यहां देख लीजिए प्लस, अब इसके अंदर देखिए, इसके अंदर क्या हुआ कि दो हमारे
हाइड्रोजन पहले से ही जुड़े हुए हैं, लेकिन जहां से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था, क्योंकि ऑक्सीजन तो निकल गया है, जब निकल गया है तो इसकी एक बैलेंस यहां खाली हो गई, और एक इस ऑक्सीजन की यहां से जो बॉन्ड टूटा है, ये तो जुड़ा हुआ है लेकिन यहां से बॉन्ड टूटा है, यहां से बैलेंस ही खाली हो गई। तो अब ये क्या करेंगे, करेंगे ये कि ये आपस में इसके साथ बॉन्ड बनाएगा और ये वाला आपस में इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। अगर आप अब ध्यान से देख पा रहे हैं तो मैं इस चीज को ठीक से लिख देता हूं। देखिए ये क्या बन रहा है, एच एच टू तो खैर ऐसा ही है हमारा, प्लस ये किस तरह से बन रहा है एच, और अगर आप इतने एरिया को देखेंगे तो सी एच ओ सी एच ओ प्लस, यहां देखिए H एक H और इतना एरिया हमारा सी एच ओ यानी कि एल्डिहाइड, दोनों को ऐड कर दीजिए, दोनों ऐड होकर क्या बनेंगे एच टू ओ टू प्लस ये बन जाएंगे टू एच सी एच ओ, इससे क्या कहते हैं फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड। तो इस तरह से रिएक्शन होती है जब हम किसी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड को क्रिया कराते हैं ओजोन के साथ, तो इस तरीके की हमारे पास में रिएक्शंस हुआ करती हैं। बहुत इजी है, आप इस वीडियो को बार बार दो बार देख लेंगे तो आपके ये बिल्कुल पक्का हो जाएगा। याद रखना है यहां पर हमारे पास में H2O और जिंक होना अनिवार्य है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसके अंदर, आप इसे एक बार नोट कर लीजिए फिर इसमें आगे देखते हैं। चलिए मैं काम करता हूं आपको एक ही लाइन में ये पूरी बना के दिखा देता हूं। देखिए पूरी किस तरह से कि यहां पे CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस O3 रिएक्ट करा, क्या बन रहा है डायरेक्ट हमारे पास में, यहां से पहले क्या बना H H, यहां से इस तरह से एक ओ यहां एक ओ यहां और आपस में इन्होंने रिएक्ट करा। फिर जब हमने इसे करा H2O और जिंक की प्रेजेंटेशन में तो ये और ये हमारा लेकर निकल गया तो क्या बना H2O2। देखिए H2O2 जो बना उसे हम यहां भी लिख सकते हैं H2O2 माइनस में, क्योंकि मेन कंपाउंड हमारे पास में जो बन के आ रहे थे वो HCHO और 2 इस तरह से बना, ठीक है। तो ये इतना एरिया आपको याद करना, ये मैंने समझा दिया है आपको, आपको मैंने बता दिया है किस तरह से रिएक्शन होती है। तो आप इस तरीके से आप इसे पेपर में लिख करेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको, मैं जितना भी इसमें इंपॉर्टेंट लिखूंगा वो कम ही कम होगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसे एक बार जरूर से जरूर, पहले आप इसे वीडियो को देखिए फिर एक बार आप इसे खुद से बनाने की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जब आप खुद से बनाएंगे तभी आपके ये क्वेश्चन समझ में आएगी। चलिए मैंने अभी डबल बॉन्ड का बनाया है, अब मैं एक और बताऊंगा आपको ट्रिपल बॉन्ड का। इतने अब इसका स्ट्रक्चर आप जो है अपने दिमाग में बैठा लीजिए दोस्तों। अब मैं आगे बढ़ता हूं, देखते हैं ट्रिपल बॉन्ड की इक्वेशन देखते हैं जरा। ट्रिपल बॉन्ड में क्या है, जैसे मान लिया मेरे पास में एक कंपाउंड है कोई, तो ये कंपाउंड है मेरे पास, ठीक। चलो इसे हमें ओजोन से यानी कि इसका हमें ओजोनीकरण करना है, तो देखते हैं किस तरह से हम कर सकते हैं इसका ओजोनीकरण। सबसे पहले आप इसे CH3 से जुड़ा हुआ है सी, यहां पर है ट्रिपल बॉन्ड, यहां पर फिर सी और यहां पर एक एच है, यहां पर एक एच, इस तरह से ये कंपाउंड हमारा इस तरह से खुला हुआ है। तो बहुत इजी है, क्या करना है हमें O3 के साथ रिएक्ट करना है। तो O3 के साथ जब रिएक्ट कराएंगे तो ये हमारा बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और जब ये ब्रेक हो जाएगा तो यहां से दो बॉन्ड हमारे टूट जाएंगे। तो दो बॉन्ड टूटेंगे तो देखिए जरा CH3 तो सेम है, यहां पर ये सी है, एक बॉन्ड ऐसे रहेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन हमारे क्या हो गए दोनों के खाली हो गए, और ये सिंगल बॉन्ड जो था हमारा ऐसे का ऐसे ही, क्योंकि दो बॉन्ड टूटेंगे ना कोई से भी तोड़ दी चाहे ऊपर के नीचे के इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दो बॉन्ड टूटने चाहिए, ठीक है। यहां से दो बॉन्ड टूट गए, यहां पर H है तो H लगा दीजिए आप इस तरह से, ठीक है। अब देखिए 3 है तो हमें 3 जोड़ने हैं, तो किस तरीके, बिल्कुल सेम वही स्ट्रक्चर है, यहां से ये जुड़ेगा, एक ऑक्सीजन है इस तरह से जुड़ेगा, समझ गए, बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर है। उसके बाद इसी का हम रिएक्शन फिर कराएंगे, किसके रेस्पेक्ट में H2O और जिंक के प्रेजेंटेशन में, और ये रिएक्ट होगा तो ये इसको लेकर निकल जाएगा किस रूप में H2O2, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। अब इसके अंदर ये देखिए यहां पर पिछली वाली जो हमने डबल बॉन्ड के अंदर करा था वहां ये बॉन्ड नहीं था, लेकिन अब ये बॉन्ड आ गया है तो इसलिए केवल एक ही कंपाउंड बनेगा, दो कंपाउंड इसके अंदर नहीं बनते हैं, ठीक है। इसमें केवल एक ही कंपाउंड बनेगा, तो देखिए कैसे, पिछली बार हमारे दो फॉर्मेल्डिहाइड बने थे, इस बार देखते हैं क्या बनता है। तो यहां से खत्म हो गया, यहां से निकल गया, तो अब
इतना एरिया और इतना एरिया, ये है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या बन सकता है यहां पर CH3। तो CH3 देखिए आप ध्यान से देखेंगे तो ये सिंगल बॉन्ड से C जुड़ा हुआ, यहां से ये बॉन्ड टूटा और यहां से टूटा, तो यहां से C के पास एक वैलेंसी खाली हुई। मैं थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं आपको दिखाने के लिए, यहां से नीचे को आ गए, क्या खाली हुआ देखिए, CH3 तो है ही हमारे पास, ये कार्बन है। इस कार्बन के लिए हमारी ये वाली जो बैलेंसी थी, जो ऊपर वाले ऑक्सीजन जुड़ रही थी, ये तो खत्म हो गई क्योंकि ये तो दूल्हे राजा लेकर निकल गए बीवी को, यहां से जो ये बॉन्ड खाली हो गया। उसके बाद ये ऑक्सीजन हमारा जुड़ी रहा है, यहां से ये बॉन्ड टूट गया है, तो यहां से ऑक्सीजन की खाली हो गई, समझ पा रहे हैं आप? ठीक है। उसके बाद ये वाला बॉन्ड जो है हमारा ऐसे का ऐसे ही लगा हुआ, राइट, ये बॉन्ड हमारा ऐसे लगा हुआ। फिर यहां पर आ जाइए, इसकी भी एक बैलेंसी खाली हो गई है और यहां भी एक ऑक्सीजन की ये वाली बैलेंसी खाली हो गई है और ऑक्सीजन हाइड्रोजन ऐसे जुड़ा हुआ। अब हमारा क्या होगा कि ये दोनों आपस में एक दूसरे से क्या कर लेंगे, रिएक्शन कर लेंगे इस तरह से। तो देखिए कंपाउंड कुछ इस तरह से बना हमारा, CH3 C डबल बॉन्ड O और ये बन गया CHO, ये बन, ठीक है। नेमिंग की बात अभी मैं नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ कंपाउंड बना रहा हूं क्योंकि IUPAC की एक वीडियो में आपको सेपरेट से दूंगा अलग से, उसमें जीरो लेवल की बात करेंगे हम। अभी फिलहाल यहां पे जो बन रहा है 1, 2 और 3 पर आता है हमारा प्रोप, एल्डिहाइड बढ़ा है, प्रोपेनल हो जाएगा, प्रोपेनल और कितने पे 2 कीटो भी लिख सकते हैं इसे, ये इसका, तो ये इसका नाम है 2 कीटो प्रोपेनल, बहुत अच्छा, तो प्रोपेनल हो गया। चलिए एक बार इसे देख लीजिए आप। तो दोस्तों मैंने अभी आपको डबल बॉन्ड का कराया, ट्रिपल बॉन्ड का कराया, आपका काम अब यह है जिस प्रोसेस पे मैंने वो दोनों कराए हैं उसी प्रोसेस पे ये वाले तीनों होंगे, ठीक है। ये डबल बॉन्ड का है, ये भी डबल बॉन्ड है, ये भी डबल बॉन्ड है, तो आपको इन तीनों को आपको बनाना है और मुझसे कमेंट में आपको लिखकर बताना है कि आपसे हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। अगर होता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो और भी अच्छी बात है उससे यह होगा कि आप एक बार वीडियो को फिर देखेंगे, फिर इसके मैकेनिज्म को समझेंगे, इसकी क्रिया विधि को समझेंगे, इसके इसके मेथड को समझेंगे, तब जाकर आपके ये बिल्कुल कंठस्थ यानी कि पक्का हो जाएगा। तो आशा करता हूं कि आप लोग इसे कर पाएंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। तो ये आपके लिए होमवर्क है केवल ओजोनीकरण वालों का, ठीक है, केवल ओजोनीकरण का, सिर्फ ओजोनीकरण का ही होमवर्क है। इसमें सब में आपको ओजोन से रिएक्ट कराना है, ओजोन, ओजोन और यहां भी ओजोन से, ठीक है। तो दोस्तों अब जो मैं एक क्वेश्चन कराने वाला हूं बहुत शॉर्ट, बहुत छोटी है, इसमें यह है कि कोई अल्कोहल का कंपाउंड है, अल्कोहलिक कंपाउंड है, उसको अगर हम सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 170 डिग्री टेम्परेचर पर अगर गर्म करते हैं तो देखते हैं क्या बनता है हमारे पास। तो देखिए कुछ बेसिक सी हमारे पास नॉलेज होनी चाहिए उसके लिए। मैंने इससे पहले जो वीडियो कराई थी आपको उसमें अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन, गामा कार्बन के बारे में आपको बताया था, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उस वीडियो को पहले देख लीजिए। बहुत ही इजी वे में मैंने आपको समझाने की वो कोशिश की है, एक बार उस वीडियो को जरूर देख लीजिए, आपके ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए लेते हैं हम एक कंपाउंड CH3CH2OH, ये मेरे पास अल्कोहल है, ठीक है। इस अल्कोहल को मुझे गर्म करना है 170 डिग्री टेम्परेचर पर, ये आप याद रखेंगे H2SO4 की प्रेजेंटेशन में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, निर्जलीकरण के लिए भी आता है, डिहाइड्रेशन, ठीक है, निर्जलीकरण के लिए, क्यों मैं अभी बता दूंगा आपको। देखिए क्या होता है कि अल्कोहल बहुत ज्यादा क्रियाशील होता है, बहुत अधिक रिएक्टेबल होता है, जब इसे निकाला जाता है तो ये ऐसे ही नहीं निकलता है, ये बीटा कार्बन से एक हाइड्रोजन लेकर निकलता है। तो देखिए आप बीटा, देखिए जहां क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से जुड़ा होता है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, वो होता है अल्फा कार्बन, इसके पड़ोसी वाला क्या होता है, बीटा कार्बन होता है, ठीक है। तो बीटा कार्बन से एक हाइड्रोजन को लेकर जाएगा, तो देखिए मैं इसे थोड़ा खोल के दिखा देता हूं आपको, इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं, 1, 2, 3 इस तरह से, इससे 2 इस तरह से, और OH ये रहा, यहां हमें H2SO4 के साथ 170 डिग्री टेम्परेचर पर क्या करना है, गर्म करना है, ठीक है, इस बात को आप याद रखे रहेंगे, 170 डिग्री टेम्परेचर सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। तो ये क्या होगा, ये अल्फा है,
ये बीटा है, तो ये क्या काम करता है, ये काम करता है कि ये चीज एक हाइड्रोजन को लेकर निकल जाती है, वो भी बीटा कार्बन के, ठीक है। तो यहां से लेकर निकल जाएगी तो क्या बन जाएगा जी, H2O, क्योंकि इसमें जल निकलता है इसलिए निर्जलीकरण होता है, ठीक है। अब यहां से आप ध्यान से देखिए, प्लस इस कार्बन के दो हाइड्रोजन रह गए, मान लिया हमने इस तरह से लिख लिया दो हाइड्रोजन, एक बैलेंसी जो ये हैगी, और ये वाली जो बैलेंसी थी वो हमारी खाली हो गई, ये रही, समझ गए। अब यहां पर आ जाइए, इस कार्बन के दो हाइड्रोजन है, ये H, ये H, ठीक, लेकिन यहां से OH निकल गया है तो इसकी भी एक बैलेंसी खाली हो गई, ये हो गई, समझ गए। अब ये दोनों क्या काम करेंगे, आपको अच्छे से पता है, ये दोनों आपस में क्या कर लेंगे, रिएक्शन करके, रिएक्ट करके डबल बॉन्ड बनाएंगे, और ये हमारा क्या बन जाएगा, C2H4, इसको हम कहते हैं एल्कीन, और इसका जो ओरिजिनल नाम है वो एथीन नाम है, एथीन, ठीक है। तो ये याद रखे रहेंगे, छोटी सी क्वेश्चन थी, मुझे लगा शायद आपको बता देनी चाहिए तो मैंने बता दी, ठीक है। तो ये एग्जाम में पूछ ली जाती है कभी कभी, और ये निर्जलीकरण के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है, ठीक है। तो एक बार इसे देख लीजिए, उतार लीजिए। तो अब जो रिएक्शन आई है दूसरे नंबर पर, वह है रोजनमुंड रिएक्शन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें होना क्या है कि उबलती हुई जाइलिम माध्यम में एक माध्यम होगा, हमारा एक विलायक है जिसे जाइलिम है, जाइलिम एक माध्यम है, तो उबलती हुई जाइलिम माध्यम में पैलेडियम उत्प्रेरक एवं बेरियम सल्फेट, जिसका फॉर्मूला यह है बेरियम सल्फेट विष उत्प्रेरक की उपस्थिति में एसिड, यह एसिड क्लोराइड का फॉर्मूला है, एसिड क्लोराइड में जब हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित किया जाता है तो हमारा क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है, ठीक है। देखिए जाइलिम माध्यम में, जाइलिम माध्यम में पैलेडियम उत्प्रेरक और एक विष उत्प्रेरक हमारे पास, उसका नाम है बेरियम सल्फेट। ये विष उत्प्रेरक क्यों डाल रहे हैं मैं आपको बताऊंगा इक्वेशन के एंड में, आप इसे देखते रहिए। अभी ये जब मैं कराऊंगा तो जब बनेगा तो मैं आपको बताऊंगा विष उत्प्रेरक क्यों डाला जा रहा है इसके अंदर। तो विष उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब हम एसिड क्लोराइड में हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित करते हैं तो एल्डिहाइड प्राप्त होता है। चलिए देख लेते हैं किस तरह से रिएक्शन होगी। तो देखिए हमारे पास में ये है RCOCl, अगर मैं इसे खोलूं तो कुछ इस तरह से ओपन होगा ये कि RC डबल बॉन्ड O और Cl, इस तरह से। इसमें मैं हाइड्रोजन गैस को, हाइड्रोजन को मैं H2 या इस तरीके से भी लिख सकते हैं, बॉन्ड सिंगल है ना, इस तरह से। अब जो उत्प्रेरक है वो डालिए, उत्प्रेरक क्या है हमारे पास, पैलेडियम यानी कि PD, और दूसरा उत्प्रेरक क्या है हमारे पास, विष उत्प्रेरक, क्या नाम है इसका, बेरियम सल्फेट, याद रखेंगे बेरियम सल्फेट। और माध्यम कौन सा है, लिख देंगे जाइलिम माध्यम, जाइलिम माध्यम, यह हमारा ब्लैक है। तो एसिड क्लोराइड को हाइड्रोजन के साथ गर्म कर रहे हैं, किस किस के साथ, पैलेडियम की उपस्थिति में और बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में जाइलिम माध्यम में। तो होना क्या है, आपको देख रहा होगा इसमें कि ये H इस Cl को लेकर निकल जाएगा, बनेगा HCl, ठीक है, और खुद ये हाइड्रोजन यहां पर आके जुड़ जाएगा, ये हाइड्रोजन यहां आके जुड़ जाएगा। तो देखिए क्या बना, R, फिर क्या है, C डबल बॉन्ड O, और यहां जुड़ गया H। आप इसे देखेंगे तो ये RCHO बन गया, जिसे हम एल्डिहाइड कहते हैं। तो यही तो विधि है, क्या है कि उबलते हुए जाइलिम माध्यम में पैलेडियम उत्प्रेरक और बेरियम सल्फेट विष उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब एसिड क्लोराइड में हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित करते हैं तो एल्डिहाइड बनता है। अब ये विष उत्प्रेरक है हमारे पास, अब अगर मैं इसे ना डालूं तो क्या होगा कि ये जो हमारा एल्डिहाइड बनकर आया है ये हमारा फिर से इसके साथ रिएक्ट करेगा, हाइड्रोजन के साथ दोबारा रिएक्ट कर लेगा अगर ये बेरियम नहीं डाला जाता है, बेरियम सल्फेट नहीं डाला जाता है और केवल पीडी की उपस्थिति में ये कराई जाएगी जाइलिम माध्यम के अंदर ही,
तो ये दोबारा रिएक्ट कर लेगा, इस बॉन्ड को तोड़ देगा, और इस बॉन्ड को जब ये तोड़ेगा तो इस तरह से कुछ बनेगा। देखिए यहां सी बॉन्ड डबल था, लेकिन डबल बॉन्ड से एक बॉन्ड टूट गया, तो एक बैलेंस इसकी खाली हो गई और एक बैलेंस ही ओ की खाली हो गई, तो यहां पर आके एच जुड़ जाएगा और एक यहां पर आके एच जुड़ जाएगा, ये वाला, समझ रहे हैं? तो आप देखिए ये क्या बन गया, ये बन गया हमारा एल्कोहल, ये बन गया एल्कोहल, इसका फॉर्मूला हो जाएगा आर सी एच टू ओ एच, ये बन गया एल्कोहल। तो एल्कोहल ना बने इसलिए हमें क्या डालना है, विष उत्प्रेरक का यहां पर यूज होता है, ठीक है, विष उत्प्रेरक का काम है ताकि ये अभिक्रिया यही एल्डिहाइड पर रुक जाए, नहीं तो ये एल्डिहाइड पर नहीं रुकेगी, कहां जाकर रुकेगी, एल्कोहल पर। तो ये है इसका रीजन कि हमने आखिर ये विष उत्प्रेरक डाला क्यों है, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूं यहां पर आपको हर चीज समझ में आए, मैंने ये डेफिनेशन लिख दी है, आप इसको लिख लीजिए। देखिए क्वेश्चन जो पेपर में आएगा इस तरह से आएगा, रोजनमुंड अभिक्रिया को या रोजनमुंड अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखिए और इसकी अभिक्रिया भी दीजिए, इस तरह से आएगा पेपर में। ये एक डेढ़ नंबर की या दो नंबर की आपको पेपर में देखने मिल जाती है, ठीक है। तो आप इसे जरूर से जरूर पक्का कर लें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों रोजनमुंड के अंदर अब हम क्या कर रहे हैं कि इस R की जगह पर हम एल्किल को एक ग्रुप लेके चलते हैं, जैसे मेरे पास CH3 है, यहां C डबल बॉन्ड O और ये Cl, ये हो गया एसिड क्लोराइड। इसके साथ अगर मैं हाइड्रोजन को मिलाऊं, यहां मेरे पास उत्प्रेरक वही रहेगा जो है जाइलिम माध्यम है, उसके बाद ये क्या निकल जाएगा, HCl बन के निकल जाएगा, प्लस हमारा हाइड्रोजन यहां जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3CHO, इसे कहते हैं एसिटिल्डिहाइड, ठीक है। तो बहुत आसान है, यहां पर R की जगह पर आप C2H5, C3H7, CH3, C4H9 जो भी चाहे आप रख सकते हैं और आपके कंपाउंड्स बनते चले जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते, तो हमारी तीसरी रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है स्टीफंस रिडक्शन ऑफ मेथड, स्टीफन की आंशिक विधि भी इसे कहा जाता है, और यह बहुत बार क्वेश्चन में आई गई है। जितनी भी रिएक्शन मैं आज आपको दे रहा हूं, दिस इज अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन इन दिस वीडियो, समझ रहे हैं? तो इसके अंदर आप में करना क्या है कि एक बात याद रखनी है कि स्टीफन से याद कर लीजिए, याद करने की ट्रिक है कि स्टीफन से याद कर लीजिए स्टेनस, बस इतना सा, स्टीफन से याद कर लीजिए स्टेनस, स्टेनस हम कहते हैं टिन को, स्टेनस क्लोराइड। इसके अंदर जो रिएक्शन होती है वो किस किस की होती है, स्टेनस क्लोराइड, स्टेनस क्लोराइड को जब हम किसके साथ गर्म करते हैं, HCl के साथ। देखिए तीन स्टेप में ये रिएक्शन हुआ करती है, फर्स्ट स्टेप है इसका, ये फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, स्टेनस क्लोराइड को HCl के साथ जब गर्म करते हैं तो हमारा जो बना करता है वो बनता है स्टेनस ट्रेटा क्लोराइड, यानी कि यहां पर हमारी वैलेंसी हो जाती है 4। अब यहां ध्यान से देखिए, यहां पर स्टेनस ट्रेटा क्लोराइड बनेगा, लेकिन हमारे पास यहां पर है स्टेनस डाई, यानी डाई है, ये दो है हमारे पास, तो दो है, तो हमारे पास यहां पर सीएल भी कितने होने चाहिए, दो होने चाहिए, और सीएल ऐसे नहीं बढ़ेंगे, एचसीएल के रूप में बढ़ेंगे, समझ रहे हैं? तो यहां से HCl मिलके क्या बन गए, ये बन गए, या आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यहां 2 लगा दीजिए आप, ठीक है। तो हमारे पास स्टेनस क्लोराइड ट्रेटा क्लोराइड बन गया, उसके बाद हमारे दो हाइड्रोजन रह जाते हैं, इन दो हाइड्रोजन को आप नवजात के रूप में लेते हैं, ठीक है। गैस बनके नहीं निकालना है, हमें निकालना इसमें कुछ नहीं है, हमें नवजात हाइड्रोजन के रूप में लेने हैं, क्यों मैं अभी बता दे रहा हूं। अब इसकी रिएक्शन जो हम करते हैं, जो हमारे दो नवजात हाइड्रोजन बचे हैं, ये रिएक्ट करते हैं हमारे एल्किल साइनाइड के साथ। दूसरा स्टेप है हमारा एल्किल साइनाइड, एल्किल साइनाइड, एल्किल साइनाइड, इसका फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं, RCN होता है, लेकिन मैंने इसे बॉन्ड को ब्रेक करना है, क्योंकि मुझे करना है तो इसलिए मैंने इसे ओपन करके लिखा हुआ है। इसमें क्या करते हैं, इन दो जो हमारे पास दो नवजात हाइड्रोजन हैं, इनके साथ हमें रिएक्ट करानी है भैया इनकी, और जब इनकी रिएक्ट कराएंगे तो इसका एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, हमारा एक बॉन्ड यहां से टूट जाएगा, तो यहां से एक बॉन्ड टूटेगा। तो जरा ध्यान से देखें, R ऐसे ही है सेम लिख दीजिए, C ऐसे ही है सेम लिख दीजिए, दो बॉन्ड ऐसे ही हैं, दो बॉन्ड ऐसे ही रहेंगे, N भी ऐसे रहेगा, लेकिन एक एक बॉन्ड इनका
हमारा क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, क्योंकि हमारा एक बॉन्ड यहां से ब्रेक हो गया है। और जब एक एक बॉन्ड ब्रेक हो गया है तो यहां दो हाइड्रोजन है, तो वो दो हाइड्रोजन एक यहां जुड़ेगा और एक यहां जुड़ेगा। समझ में आ रही होगी आपके बात, ठीक है। फिर समझ लीजिए, स्टेनस क्लोराइड को जब HCl के साथ गर्म किया जाता है या मिलाया जाता है या रिएक्ट कराया जाता है तो स्टेनस ट्रेटा क्लोराइड बनता है। उसके बाद दो हमारे हाइड्रोजन रह जाते हैं, वो दो हाइड्रोजन हमारे हमारे जो क्रिया करते हैं एल्किल साइनाइड के साथ करते हैं। एल्किल साइनाइड से हमारा क्या बनता है, एमीन ग्रुप बनता है। क्या बनता है, एमीन ग्रुप बनता है। तो देखिए यार, इसे हम अब थर्ड स्टेप में क्या कर सकते हैं, थर्ड स्टेप में क्या करना है कि इस एल्किल, अच्छा मैं आपको एक चीज बता देता हूं, ये CH है और ये NH है, ये नीचे वाला जो H था मैंने इसके साथ ले लिया है। देखिए जब भी कभी आपको किसी भी कंपाउंड के साथ, खासकर कार्बन के साथ, NH मिलता दिखाई दे जाए, एमीन ये आपको दिखाई दे जाए, तो हमेशा आंखें बंद करके आप जल से रिएक्शन करा दीजिए। किससे, जल से, वाटर से। जैसे ही आप इसकी रिएक्शन कराएंगे तो अमोनिया बन के निकल जाएगी, अमोनिया, देखिए ध्यान से, ये बन गई अमोनिया, तो यहां पर क्या बन जाएगी, NH3 बन जाएगी। और जो बचा कंपाउंड है उसके साथ जोड़ दीजिए, ऑक्सीजन है, दो वैलेंसी के साथ जुड़ जाएगा तो बन जाएगा RCHO, बोले तो एल्डिहाइड बन जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे ख्याल से आपके समझ में आ गई होगी। देखिए फिर देख लीजिए, स्टेनस क्लोराइड को HCl के साथ गर्म करते हैं तो याद रखना स्टेनस ट्रेटा क्लोराइड बनता है और हमारे पास दो मॉलिक्यूल्स बचते हैं, किसके, हाइड्रोजन के, दो परमाणु बनते हैं। उसके बाद हमारे पास एल्किल साइनाइड से रिएक्ट कराते हैं उन दोनों हाइड्रोजन की, तो हमारे पास एमीन बनता है। एमीन को हम क्या करते हैं, जल से रिएक्ट करा देते हैं, अमोनिया निकल जाती है और बनता है हमारा एल्डिहाइड, ठीक है। इस बात को याद रखे रहेंगे, तो ये एल्डिहाइड बनाने की एक मेथड है, विधि है, जो हमारा स्टीफन ने हमें बताया था। अब यहां पर R की जगह पर आप कुछ भी ले सकते हैं, तो पहले से उतार लीजिए एक बार, फिर मैं आपको अगेन एक बार एल्किल की जगह पर कुछ और लेकर दिखाऊंगा। इन R की जगह पर हम कोई कंपाउंड लेकर चलेंगे, तो अब हम एल्किल की जगह कोई कंपाउंड लेकर चलेंगे। देखिए जैसे सबसे पहले इन्होंने बताया था हमें, स्टेप फर्स्ट हमें याद रखना है क्या, कि स्टेनस क्लोराइड के साथ हमें किसके साथ रिएक्ट करनी है, HCl के साथ, और हमारे पास बनेगा क्या, स्टेनस ट्रेटा क्लोराइड, क्योंकि चार हैं तो हमें दो और चाहिए और दो हमारे क्या बच जाएंगे, नवजात हाइड्रोजन बच जाएंगे। यही तो सोच रहे हैं आप, बिल्कुल सही सोच रहे हैं। दूसरे नंबर पे अब हमें जो कंपाउंड लेना है, यहां पर पहले मैंने RCN लिया था, CN सेम रहेगा, R की जगह पर मैंने CH3 रख दिया, ट्रिपल बॉन्ड N, इसके साथ हमें रिएक्ट करानी है दो हाइड्रोजन की। उसके बाद रिएक्ट करके ये बॉन्ड टूटेगा तो हमारा क्या बनेगा, जरा देख लीजिए, यहां CH3 है, ये तो ये सेम ही रहेगा, लेकिन एक हाइड्रोजन यहां लगेगा और एक नाइट्रोजन के साथ यहां लग जाएगा। देखिए दोनों की एक एक बैलेंस खाली हो जाएगी ना। उसके बाद तीसरा स्टेप ये कहता है कि जो हमारा CH3 CH और हमारा NH है, जब भी कभी NH ग्रुप आ जाए, यानी कि एमीन ग्रुप आ जाए, उसके साथ हम रिएक्ट कराते हैं, किसकी, जल की क्रिया कराते हैं, तो जल से रिएक्ट इसके साथ करा दीजिए आप। जल के साथ जैसे ही रिएक्शन कराएंगे तो NH3 बनकर हमारी अमोनिया बाहर निकलेगी और इस ऑक्सीजन को आप यहां जोड़ दीजिए तो बन जाएगा CH3CHO। ध्यान रखने वाली बात है, जो कंपाउंड आप यहां लेंगे वही एल्डिहाइड के साथ निकलता है। मान लीजिए आप यहां पर C2H5CN लेते हैं तो अगले स्टेप में जो हमारा निकल कर आएगा वो C2H5CHO, इसे कहते हैं एथिल एल्डिहाइड। अगर आप यहां पे C3H7 लेते हो CN साइनाइड के साथ तो हमारा जो बन के आएगा कंपाउंड एंड में वो बन के आएगा CH3H7CHO, प्रोपिल एल्डिहाइड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको याद रखे रहेंगे, गांठ बांध लीजिए, भूलना नहीं है, बहुत ही आसान है, स्टेप बाय स्टेप आप अगर फॉलो करते हैं तो आपको सब चीज समझ में आएगी, ठीक है। तो एक बार इसे देख लीजिए फिर आगे बढ़ी क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। दोस्तों अब जो अगली नेक्स्ट रिएक्शन है वो है हमारी डीकार्बोक्सिलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी है। इसमें होता यह है कि एक एसिड, यानी कि हमारा कार्बोक्सिलिक आ रहा है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम लवण लेते हैं और उसकी सोडा लाइम के साथ हम क्या कराते हैं, रिएक्ट कराते हैं तो हमारा एल्केन प्राप्त होता है। ये एल्केन बनाने का एक बहुत ही सरल सा मेथड है, ठीक है। इसमें होता यह है कि एक हमारे पास एल्किल
देखिए सी डबल ओ एच ये हो गया एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन हमें कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम कंपाउंड लेना है, ये हो गया सोडियम कंपाउंड, कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम कंपाउंड करते लेते हैं और इसमें जो रिएक्ट होता है, जो उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है वो हमारा सोडा और लाइम, लाइम का फॉर्मूला होता है जो हमारा चूने का फॉर्मूला होता है, लाइम कहते हैं सर, सोडा लाइम, सोडा प्लस लाइम, सोडा लाइम, ठीक है। तो याद रखेंगे इसमें कि एक एसिड का सोडियम लवण लेते हैं, सॉल्ट लेते हैं, उसमें हम किसके साथ रिएक्ट कराते हैं, NaOH और CaO के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो देखते हैं हमारा क्या बनता है। अच्छा एक बात और याद रखने की है, यहां पर NaOH जो है हमारा ये एक रिएक्टर की तरह कार्य करता है, एक रिएक्टर की तरह कार्य करता है। इसकी खास बात यह होती है कि ये वातावरण से नमी को सोख लेता है, ये वातावरण से नमी को सोख लेता है और गीला हो जाता है, तो इसे सूखा रखने के लिए हमें क्या मिलाना पड़ता है, CaO, क्योंकि ये रिएक्शन एक सूखे वातावरण में, खुश्क वातावरण में या शुष्क वातावरण में ये होती है, तो इसलिए इसमें हमें क्या मिलाया जाता है, CaO मिलाया जाता है। तो देखिए एक बार इसे फिर से, हमारे पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट है, हमें रिएक्ट करा रहे हैं सोडा लाइम के साथ, समझ रहे हैं आप। उसके बाद देखेंगे आप ध्यान से, तो इतना एरिया कुछ बनाता है, क्या बनाता है, सोडियम कार्बोनेट बनाएगा, ध्यान से देखिए आप, सोडियम कार्बोनेट बनेगा। देखिए सोडियम के लिए क्या बनना, क्या होता है, Na2 हो गया, Na2 हो गया, CO कितने हैं, दो और एक तीन, CO3, ये बन गया सोडियम कार्बोनेट, और जो बचा हुआ कंपाउंड है R और A, H, R और H, दिस इज एल्केन, एल्केन, बहुत बढ़िया, ये आपका क्वेश्चन है, मतलब बहुत अच्छी है, रिएक्शन है, इसमें आप R की जगह पर कोई भी कंपाउंड रख लीजिए और एक नया कंपाउंड बनेगा। देखिए आप यहां R की जगह मैंने CH3 रख दिया, COONa प्लस NaOH के साथ हम किसकी प्रेजेंटेशन में, CaO करा रहे हैं, यहां से ये इतना पोर्शन निकल जाएगा सोडियम कार्बोनेट के रूप में, और बचेगा क्या हमारे पास, इसे इसमें जोड़ दीजिए, C के पास तीन H हैं, एक ये आ गया, तो क्या बन जाएगा, CH4, दिस इज मेथेन, ऐसे ही ये एल्केन है, ठीक है, यहां ये एल्केन। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, बहुत हल्की है, इसमें कुछ नहीं करना है, आपको याद रखना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का हमेशा सोडियम ही सॉल्ट लेना है, उसको NaOH और CaO के साथ हमें रिएक्ट कराना है, तो बनने वाला हमारा कंपाउंड जो होता है वो होता है एल्केन, याद रखे रहेंगे बात को, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए इसे आप देख लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे रिएक्शन की तरफ। तो दोस्तों अब जो रिएक्शन है वो है कैनिजारो रिएक्शन। इसके अंदर होता क्या है कि अल्फा हाइड्रोजन विहीन, विहीन का मतलब ऐसा कोई कंपाउंड लेना है जिसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन तब नहीं होता है जब अल्फा कार्बन नहीं होगा, समझ रहे हैं, या अल्फा कार्बन हो तो उसके साथ हाइड्रोजन के बजाय कुछ और जुड़ना चाहिए, ठीक है, आगे बात करेंगे इसके बारे में, फिलहाल इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं कि अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड, कोई ऐसा एल्डिहाइड लेना है जिसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन ना हो, कि सांद्र NaOH या KOH, इन दोनों में से कोई एक, इन दोनों में से कोई एक के साथ रिएक्शन कराने पर एल्डिहाइड के एक अणु के ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण से सॉल्ट तथा दूसरे अणु से रिडक्शन से, दूसरे अणु के रिडक्शन से, यहां सॉरी के होता है, दूसरे अणु के रिडक्शन से एल्कोहल बनता है, ध्यान रखेंगे आप लोग। देखिए पहले जो बन रहा है, पहले अणु में सॉल्ट बन रहा है, दूसरे में क्या बन रहा है, एल्कोहल बन रहा है, यानी कि एक बार एल्डिहाइड लेंगे हम, ऐसा एल्डिहाइड जिसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, जब उसे हम लेंगे तो उसकी रिएक्शन इन दोनों में से किसी एक से कराएंगे तो कुछ कंपाउंड बनेगा, ठीक है। उसके बाद दोबारा उसी एल्डिहाइड को जब हम
उस वाले जो कुछ बचेगा उससे हाइड्रोजन से हम क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे तो उसका रिडक्शन होगा। रिडक्शन का मतलब करके क्या बनता है, हमारा एल्कोहल बनता है। बात क्या रहेगी, याद ध्यान रखने वाली बातें ये हैं कि ये हमेशा एल्डिहाइड में ही होगा, इसके अलावा नहीं होगा। अब एल्डिहाइड भी मेरे पास बहुत सारे हैं, देखिए HCHO CH3 मेथिल एल्डिहाइड है, ये एथिल एल्डिहाइड है, ये बेंजिल एल्डिहाइड है, इसका IUPAC नाम निकालना पड़ेगा। और ये भी कुछ मेरे पास कंपाउंड है, जरा आप ध्यान से देखिए, ये कीटोन ग्रुप है, ये भी कीटोन ग्रुप है, इसमें नहीं लगेगा, मैंने पहले ही आपको क्रॉस करके दिखा दिया है। क्यों? क्योंकि कीटोन ग्रुप में लगता है, अभी अभी हमने पढ़ा है कि एल्डिहाइड में लगेगा, मतलब एल्डिहाइड में ही लगेगा, आपको ये बात याद रखनी है। देखिए इन रिएक्शन को करने का बड़ा आसान तरीका है, आप किसी भी चीज को अगर आपने सोच लिया कि बहुत मुश्किल है तो वो मुश्किल होती चली जाएगी आपके लिए और कुछ दिनों में वो नामुमकिन हो जाएगी। आप बचपन से सोचते आए हैं केमिस्ट्री बहुत भारी है, भारी है, भारी है, तो एक डर बैठ गया है कि केमिस्ट्री बहुत भारी है, वाकई में बहुत भारी है, आप ये समझते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, केमिस्ट्री बहुत ज्यादा इजी है, ट्रिकली सब्जेक्ट है, आपका लॉजिकल सब्जेक्ट है, ये आपके माइंड को विकसित करता है, ब्रॉड करता है, व्यापक करता है। आप बस बने रहें, आप लोगों को जो सिखाया जा रहा है उसको दिमाग में डाल लीजिए। देखी हुई चीजें हम बहुत ज्यादा दिनों तक याद रखते हैं और याद करी हुई चीजें अक्सर हम भूल जाते हैं, तो देखिए मेरी आवाज को सुनिए और इसे समझने की कोशिश कीजिए। जितना ज्यादा आप समझेंगे उतना ज्यादा एग्जाम में आपको तकलीफ कम होगी, वरना तकलीफ आपको बहुत होगी और आपको पढ़ने में भी बहुत तकलीफ होगी। देखिए ऐसा है, केमिस्ट्री का पेपर जब होगा, होना तो है ही, तो आपको तैयारी भी तो करनी चाहिए ना, तैयारी तो करनी ही पड़ेगी ना, मजबूरी है भाई, पेपर जब एग्जाम में बैठे हैं तो पेपर तो देना ही पड़ेगा। तो जब हम पेपर देना पड़ेगा तो हम क्यों ना पहले से ही प्रिपरेशन कर लें इस चीज की, ताकि हमें सब चीज का पता चल जाए क्या क्या कैसे होता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये रिएक्शंस हैं, जितनी भी मैं आपको बता रहा हूं एक ही वीडियो के अंदर, मैं सोच रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा आपको रिएक्शन कराने की प्रैक्टिस करने की आपको मेथड बता दूं कि किस तरीके से ये बनती है। बस आप लोग इसे ध्यान से समझिए। देखिए क्या है, अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड की सांद्र NaOH या KOH के साथ रिएक्शन कराने पर क्या बनता है, हमारा पहले अणु से ऑक्सीडेशन से सॉल्ट बनेगा, दूसरे अणु के रिडक्शन से क्या बनेगा, एल्कोहल बनेगा। यह केवल एल्डिहाइड में ही पॉसिबल है, एक बार देख लीजिए, फोटो खींच लीजिए, मैं इसे मिटा रहा हूं। ओके, तो देखिए ये हमेशा एल्डिहाइड में काम करेगी। जरा इसमें देखते हैं हम HCHO, देखते हैं इसमें अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं है। तो देखिए HC OH ये स्ट्रक्चर होता है CHO का, ये स्ट्रक्चर है। तो इसमें देखिए ये जो ग्रुप है हमारा, ये किसी कार्बन से तो जुड़ नहीं रहा है, और जब किसी कार्बन से अगर ये जुड़ेगा CHO, ये इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इस पर जितने भी हाइड्रोजन लगे हुए होंगे वो सभी क्या कहलाएंगे, अल्फा हाइड्रोजन। लेकिन यहां तो कोई कार्बन है ही नहीं, ये वाला पूरा ग्रुप किसी से लग ही नहीं रहा है कार्बन से, तो इसका मतलब इसके अंदर ये मेथड लगेगा, कैनिजारो अभिक्रिया इसके अंदर लगेगी, क्योंकि इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अब हम दूसरा कोई कंपाउंड लेके देखते हैं। देखिए अगर मैं इसकी बात करूं CH3CH3CHO, इसे आप ध्यान से देखेंगे तो बिल्कुल सेम, देखिए वो कंपाउंड बना पड़ा है CHO, C के साथ तीन हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, HHH। मैंने बताया था कोई फंक्शनल ग्रुप जब किसी कार्बन से जुड़ता है तो वो कार्बन हमारा अल्फा कार्बन कहलाता है, और उस अल्फा कार्बन से जुड़ने वाले सभी हाइड्रोजन हमारे अल्फा हाइड्रोजन कहलाते हैं। इस बात को आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछली वीडियो मैंने बताया था, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक बार उसे चेक कर लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अल्फा हाइड्रोजन इसके अंदर मौजूद है तो इसके अंदर ये मेथड नहीं लगेगा, काटना पड़ेगा, यानी कि ये वाला नहीं लगेगा। अगर इसकी बात करते हैं C2H5 की, तो जरा जल्दी से देख लेते हैं C2H5 के अंदर, मकसद ये है कि दो कार्बन है हमारे पास, उनमें हमारे हाइड्रोजन पांच हैं, तो पांच हाइड्रोजन देखिए इस तरीके से लग जाएंगे, और CHO CHO। अब देखिए इसमें ये पूरा ग्रुप हमारा इसके साथ जुड़ रहा है, तो ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा हाइड्रोजन, ये भी अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। इसके पड़ोसी वाला ये बीटा हो जाएगा, ये बीटा हाइड्रोजन, समझ पा रहे हैं ना बात। तो इसके अंदर भी ये मेथड नहीं लगेगा। अब बात करते हैं बेंजीन के अंदर, ये बेंजीएल्डिहाइड जो है, अब हम इसके अंदर बात करते हैं। देखिए अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो एक बेंजीन का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह का होता है,
इस तरीके का, और इसमें एक एक को छोड़कर डबल बॉन्ड लगता है, ठीक है। और अक्सर आपने देखा होगा ये बेंजीन का स्ट्रक्चर हम इस तरीके से बनाते हैं, तो इस तरीके से लिखिए या बॉन्ड इस तरीके से बनाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और हर किसी से एक एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होता है, हर कार्बन से, ये इसका स्ट्रक्चर है। समझ में आ रही है बात? लेकिन यहां पे क्या हुआ है, C6H5 और ये क्या है, CHO, यानी कि इसमें से कहीं ना कहीं एक हाइड्रोजन कम है, तो मान लिया हमने ये वाला हाइड्रोजन कम कर लिया और इसकी जगह पर क्या लगा हुआ है, CHO लगा हुआ है। अब देखिए यहां पर ध्यान से देखना, CHO ये ग्रुप लगा हुआ है यहां पर, जो कभी भी कोई ये फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। जब भी कोई क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से जुड़ेगा वही कार्बन हमारा अल्फा कार्बन कहलाएगा, और अल्फा कार्बन से जुड़ने वाले हाइड्रोजन वो हमारे अल्फा हाइड्रोजन कहलाएंगे। तो ध्यान से देखिए आप, यहां पर ये इस कार्बन से जुड़ रहा है, इस कार्बन से जुड़ रहा है ये वाला ग्रुप, ठीक है। लेकिन इस ग्रुप के अंदर कोई भी हाइड्रोजन तो बचा नहीं है, देखिए इसके अंदर है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, सबके अंदर हाइड्रोजन है, लेकिन इसके अंदर कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, तो इसके अंदर ये वाला मेथड लगेगा। भाषण में आ रही है बात, इसके अंदर लगेगा, इसके अंदर नहीं लगेगा, इसके अंदर नहीं लगेगा, ठीक है, इन दोनों में नहीं लगेगा, इसमें लगेगा। समझ में आ रही है? तो इसके अंदर लगेगा, इसके अंदर भी लगेगा, ठीक। अब हम अगले वाले की बात करते हैं, अगले वाले में क्या है जल्दी से देख लेते हैं। एक कार्बन से, इस वाले कार्बन से ये तीन CH3 जुड़े हुए हैं, कुछ इस तरह से CH3 CH3 CH3, उसके बाद फिर अगला कार्बन है वो ये वाला कार्बन, ये हैगा, उसके बाद जुड़ा हुआ है CHO। समझ में आ गई बात? देखिए अब आप ध्यान से देखिए, ये फंक्शनल ग्रुप है, और जब ये फंक्शनल ग्रुप है तो ये वाला जो कार्बन है वो कौन सा कार्बन है, अल्फा कार्बन होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप से सीधा जुड़ा हुआ है, इससे जुड़ने वाले जितने हाइड्रोजन होंगे वो हमारे अल्फा हाइड्रोजन कहलाएंगे, लेकिन इसके अंदर कोई हाइड्रोजन जुड़ ही नहीं रहा है, सारे के सारे CH3 CH3 जुड़ रहे हैं, तो जाहिर है इसके अंदर भी लगेगा, केनिजारो मेथड या रिएक्शन इसके अंदर भी लगेगी, ठीक है। तो हमें पता चल गया है किस किस कंपाउंड के अंदर लगेगी, तो अब मैं बना के दिखाता हूं केनिजारो अभिक्रिया किस तरह से होती है, ठीक है। चलिए देखते हैं, हम सबसे पहले HCHO के अंदर लगा के देखते हैं इस मेथड के अंदर क्या आखिर होता क्या है। देखिए HC डबल बॉन्ड O और H, ये ओपन इस तरह से होगा, ठीक है। इसकी रिएक्शन मैंने उसमें लिखा था कि किसी छार से करानी है आपको, छार मैंने ले लिया NaOH, ठीक है, NaOH ले लिया। अब होता क्या है इसके अंदर के ये वाला जो H है, ये H इस वाले H को निकल जाता है लेकर, तो क्या बन गया H2। बाकी ये पूरे का पूरा आप इससे जोड़ दीजिए तो देखिए क्या बनेगा, एक सॉल्ट बनेगा, सॉल्ट बनेगा, कैसा बनेगा, H है, H है, C है, C है, O है जी, O भी है, और O Na ये जुड़ जाएगा, O Na। तो मैंने अभी बताया था C डबल ओ H, देखिए C डबल ओ H R, अभी बताया था ना यहां पर क्या लगाया था हमने, Na लिया था, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम लवण है, क्या है, सोडियम लवण है, इसका नाम क्या है, सोडियम फॉर्मेट, याद रखेंगे सोडियम फॉर्मेट का फॉर्मूला हो गया, ठीक। अब ये तो ऑक्सीडेशन हो गया, ये हो गया ऑक्सीडेशन, अब इसी का दोबारा जो हमारे पास हाइड्रोजन है इसी के साथ, तो जब हम इस वाले हाइड्रोजन से इसकी क्रिया कराते हैं, ठीक है, तो ये हमारा डबल बॉन्ड जो है टूट जाता है, और जब ये डबल बॉन्ड टूटता है तो कुछ इस तरह से बनता है, देखिए C H C C और ये वाला H सेम है, उसके बाद यहां से O खाली, यानी कि एक बैलेंस यहां खाली, एक बैलेंस यहां खाली, और यहां H है। ध्यान से देखिए आप, यहां से बॉन्ड टूटेगा पहला वाला, ये वाला, तो एक बैलेंस इसकी खाली हो जाएगी, एक बैलेंस इसकी खाली हो जाएगी, ठीक है ना, तो ये हमारी खाली हो गई। दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहां जोड़ दीजिए, एक हाइड्रोजन यहां जोड़ दीजिए, टोटल मिला के और करके लिख देता हूं मैं इसी चीज को, क्या बन गया CH3OH, इसे मेथिनॉल भी कहते हैं, और इसी का नाम क्या है, मेथिल एल्कोहल भी है, इंग्लिश में से मिथाइल एल्कोहल कहते हैं, ठीक है। अब हम इन दोनों को जोड़ देंगे, ये दोनों तो सेम है, दोनों जुड़ जाएंगे,
दोनों जोड़ दीजिए, यहां एच टू से एच टू कैंसिल हो जाएगा, दोनों को जोड़ दीजिए, क्या जुड़ेगा, टू एच सी एच ओ। अरे भाई ये एच सी एच ओ तो है, फॉर्मेल्डिहाइड दोनों एक जैसे हैं तो दोनों जुड़ गए, प्लस किसके साथ रिएक्ट हो रही है, एन ए ओ एच के साथ, एन ए ओ एच के साथ क्रिया हो रही है, तो क्या बन रहा है हमारे पास, पहला क्या बन रहा है, एच सी डबल ओ एन ए सोडियम फॉर्मेट बन रहा है, और दूसरा क्या बन रहा है, सी एच थ्री ओ एच, ये इसकी पूरी रिएक्शन है। तो इस तरह से कैनिज़ारो रिएक्शन हुआ करती है। तो आप इसे बहुत अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, पक्की कर लीजिएगा, ताकि आप इसे अच्छे से एग्जाम में कर पाए, इसे समझ लीजिए बढ़िया करके, ठीक है। चलिए मैं रफ करता हूं, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूं बेंजीन के साथ किस तरह से, ये बेंजील डिहाइड के साथ किस तरह से रिएक्ट करता है। देखिए बेंजील डिहाइड जो है हमारे पास वो इस तरह से है, सी सिक्स एच फाइव सी एच ओ, क्लियर है बात। सी एच ओ को अगर मैं थोड़ा खोल के लिखना चाहूं तो इस तरह से लिख सकते हैं हम, इस तरह से, प्लस किसके साथ करा रहे हैं, एन ए ओ एच के साथ, लीजिए एन ए ओ एच के साथ करा दीजिए। हमने क्या करा था पिछली बारी में, कि यहां से ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन दोनों मिलकर निकल जाते हैं एच टू के रूप में, बाकी पूरे का पूरा आप इसमें जोड़ दीजिए, सी सिक्स एच फाइव, आगे क्या है, सी ओ सी ओ, और एक ओ एन ए ये हैगा, ओ एन ए आ गया, सोडियम, इसका नाम हो जाएगा सोडियम बेंजोएट, क्या नाम है इसका, सोडियम बेंजोएट, बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट, ठीक। अब हमें क्या करना है, अगेन इसका सी सिक्स एच फाइव सी डबल बॉन्ड ओ एच को हमें हाइड्रोजन के साथ गर्म करना है, रिएक्ट कराना है, तो देखिए हमारे पास में क्या बनेगा। अब क्या होगा कि ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, और जब ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो सी सिक्स एच फाइव सी, यहां पर एक बॉन्ड जब टूटेगा तो एक बैलेंस इसकी खाली और एक इसकी खाली हो जाएगी, तो यहां इसकी खाली कर दीजिए आप और इसकी भी खाली कर दीजिए, ये कर दिया, और ये हमारे पास में जो एच है वो सेम जुड़ा हुआ है। अब यहां से ये बैलेंसी और ये बैलेंसी खाली है, तो दो हाइड्रोजन है हमारे पास, दोनों हाइड्रोजन को आप एक यहां जोड़ दीजिए और एक यहां जोड़ दीजिए। इसे आप अगर ठीक से लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, इसे हम दूसरे नाम इसे सही से लिख लेते हैं, सी सिक्स एच फाइव, और आगे क्या है, सी एच टू और ओ एच, इस तरीके से। उसके बाद हम इन दोनों को जोड़ देंगे, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में करा था, प्लस कर दीजिए सबको, तो हाइड्रोजन से हाइड्रोजन फिर दोबारा कट जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे, टू सी सिक्स एच फाइव सी एच ओ प्लस एन ए ओ एच ऊपर का, फिर आगे आ जाइए, फिर आगे क्या बनता है हमारा, पहला सी सिक्स एच फाइव सी डबल ओ एन ए, फिर आगे क्या बनेगा, दिस सी सिक्स एच फाइव सी एच टू और OH, इसका नाम मैंने आपको ऊपर लिख दिया है, और इसका नाम है बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल 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 अल्कोहल, लीजिए मैंने बोल दिया है आप लिख लीजिएगा, बेंजाइल अल्कोहल, ठीक है। ये हमारा क्या है, सोडियम बेंजोएट है। तो दो तरह के कंपाउंड बन गया हमारे पास, एक तरह का सॉल्ट बनता है और एक अल्कोहल बनता है। तो अब ये याद रखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात थी, मैंने दोनों क्वेश्चन आपको करा दिए। अब मैं आपको घर के लिए दे देता हूं, एक घर के लिए आप ये वाली कर लीजिएगा, इस तरह से इसका आप बना के दिखाइएगा मुझे कि इसमें कैनिज़ारो रिएक्शन किस तरह से लगेगी, लगेगी या नहीं, आप कमेंट में मुझे जरूर जरूर लिखकर बताएं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब जो एक क्वेश्चन है वो तो सबसे ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसका नाम है हेलोफॉर्म रिएक्शन। इसके अंदर हम हेलोफॉर्म रिएक्शन बनाना सीखेंगे। इसमें क्या होता है कि या तो हम क्लोरोफॉर्म बनाएंगे या आयोडोफॉर्म ब्रोमोफॉर्म, ज्यादातर जो एग्जामिनेशन में पूछी जाती है वो क्लोरोफॉर्म और ब्रोमोफॉर्म ही पूछी जाती है। आयोडोफॉर्म भी ज्यादातर आपके सिलेबस में है तो आपके सिलेबस में वो भी पूछी जाएगी, लेकिन फ्लोरोफॉर्म नहीं है, फ्लोरोफॉर्म बनता इसमें नहीं आता है आपके में। तीन तरह के हेलोफॉर्म बनाए जाएंगे, जो कि सबसे पहले क्लोरोफॉर्म है, फिर आयोडोफॉर्म है, और ब्रोमोफॉर्म भी रखा गया है। तो देखिए मैं आपको कम से कम दो तो बनाना सिखाई दूंगा, तीसरा आपको घर से करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या होता है। देखिए होता यह है कि इसमें एक एसिटाइल ग्रुप को हम लिया करते हैं, एसिटाइल ग्रुप की रिएक्शन हम
उससे कराते हैं जो सा फॉर्म हमें बनाना होता है। यानी कि अगर मुझे क्लोरोफॉर्म बनाना है तो Cl2 से रिएक्ट कराना पड़ेगा क्षार के साथ, किसी क्षार के साथ Cl2 को एसिटाइल ग्रुप के साथ जब गर्म करेंगे तब हमारा क्लोरोफॉर्म बनकर तैयार हुआ करता है। तीन स्टेप की अभिक्रिया है, बहुत ज्यादा हल्की है, आप इसे अब देख लेंगे तो जिंदगी भर नहीं भूलेंगे, बहुत ज्यादा आसान वे में आपको समझाने की कोशिश करता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए मेरे पास एक एसिटाइल ग्रुप होगा, एसिटाइल ग्रुप के साथ हम जब भी इसमें रिएक्ट कराएंगे तो हेलोजन से कराएंगे, किसी किसके साथ, NaOH या KOH के साथ। चलिए देखते हैं, देखिए CH3COR ये एसिटाइल ग्रुप है, एसिटाइल ग्रुप, एसिटाइल ग्रुप को काफी लंबी है तो मैं इसे थोड़ा सा यहां से लिखता हूं, यहां से लिखते हैं। एसिटाइल ग्रुप है मेरे पास CH3CO और R, ये पार्ट होना कंपलसरी है जिस भी कंपाउंड में आप कराएंगे। इसके साथ हम रिएक्ट कराएंगे किसकी, अगर मुझे आयडोफॉर्म बनाना है तो आई के साथ करानी पड़ेगी, चलिए आयडोफॉर्म बना लेते हैं। और क्या कराना है हमें, NaOH के साथ रिएक्ट करानी है, तब हमें क्या प्राप्त होगा, आयडोफॉर्म प्राप्त होगा, राइट। लेकिन जो अभिक्रिया होती है इस तरह से नहीं होती है, अभिक्रिया जो होती है पहले दो पदों में होगी, फिर दो पदों में होगी, फिर दो पदों में होगी, तब जाके तीनों जुड़ते हैं हमारे। तो देखिए कैसे है? यहां से इन दोनों पदों में होगी, सबसे पहले हम दोनों की रिएक्ट कराएंगे, क्षार से बाद में कराएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेप नंबर फर्स्ट, स्टेप फर्स्ट इसमें होना क्या है देख लीजिए, CH3CO और R को आयोडीन के साथ हम गर्म कर रहे हैं। तो CH3 को अगर मैं ओपन कर दूं तो इस तरह से कुछ ओपन होगा, इस तरह से, ठीक है। देखिए ये आयोडीन जो है इस कार्बन के जितने भी हाइड्रोजन हैं इन पर अटैक करेगा, इन पर अटैक करेगा और यहां से हाइड्रोजन को लेकर निकल जाएगा, ठीक है, और खुद जुड़ जाएगा, समझ रहे हैं। यहां ये आयोडीन इनके ऊपर अटैक करेगा, अटैक करने के बाद यहां से ये खुद जुड़ जाएगा और इन एचओ को लेकर निकल जाएगा। तो देखिए एच को लेकर निकल गया, 3H I बन के निकल गया, ध्यान दीजिए, ठीक है। देखिए 3 I तो यहां पर बर्बाद हो गए हमारे और 3 I यहां जुड़ जाएंगे हमारे, तो कितने I चाहिए हमें, 6 चाहिए, तो हमें 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, अब ये 6 हो गए, अब 3 हमारे इसके साथ जुड़ जाएंगे, तो 3 जोड़ दीजिए आप, यहां I, यहां I, मैं दूसरी चौक से लिख देता हूं ताकि आपको अच्छे से रिलेट कर पाए इस चीज को, और ये I, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास ग्रुप था वो सेम ऐसे का ऐसे ही रहेगा, पहला स्टेप कंप्लीट हो गया, ठीक है। फिर समझ लीजिए आई अटैक करता है इस कार्बन के जो अल्फा कार्बन है इसके सारे हाइड्रोजन को, और हाइड्रोजन के साथ निकल जाता है लेकर, किसको, हाइड्रोजन को लेकर निकल जाता है, निकलने के बाद खुद वहां पर ऐड हो जाता है। तो इस कंडीशन में 6 I हमारे पास लगते हैं, तो हमें 2 तो हमारे पास थे, 3 से और मल्टीप्लाई कर दी, 3 × 2 = 6 हो गए, ठीक है, याद रखेंगे। अब सेकंड स्टेप, बहुत अच्छा है स्टेप सेकंड, सेकंड स्टेप में क्या करता है कि जो हमारे पास एसिटाइल ग्रुप से जो प्राप्त हुआ है आयोडीन बनकर, ये वाला आई आई और आई सी ओ आर, अब इसकी रिएक्शन कराते हैं इसके साथ NaOH के साथ। अब NaOH के साथ जब रिएक्शन होती है तो यहां पर ये वाला बॉन्ड टूट जाता है और इस बॉन्ड की जगह पर केवल ये हाइड्रोजन अटैक करता है, केवल ये हाइड्रोजन, इतना पोर्शन यहां आके लग जाता है। तो देखिए क्या बना, CHI3, बासन भाई आयडोफॉर्म बन गया, ध्यान से देखिए यहां H जुड़ गया और बाकी ये पूरा पोर्शन इसके साथ अलग निकलता है, तो क्या बनेगा देखें, सही से लिख लीजिए इसे, Na तो हम बाद में भी लिख सकते हैं, R लिख लीजिए, पहले R लिख लिया, फिर CO लिख लिया, फिर एक ONa ये हैगा, ONa ये हैगा, आपने देखा ये एक सॉल्ट बन गया, क्या बन गया, सॉल्ट, किसका सॉल्ट है,
बता सकते हैं आप? ये है कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको फॉर्मेट में जो लिखवाया था, सोडियम फॉर्मेट, जिसका फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले हमने ये पढ़ा था पिछली वाली इक्वेशन में, ये फॉर्मेट सोडियम फॉर्मेट का फॉर्मूला, ठीक है? तो ध्यान रखेंगे बात, ये एल्किल फॉर्मेट हो गया, ये सॉरी सोडियम फॉर्मेट का यहीं बनेगा ये, लेकिन अभी हम यहां पर इक्वेशन पूरी कर लेते हैं। अब क्या होता है, अब ये होता है कि हमने इसकी तो रिएक्शन करा दी इससे, लेकिन इसकी तो कराई नहीं है अभी तक, तो इसकी भी कराइए। 3HI प्लस किससे हो रही है, NaOH से हो रही है। तो जरा ध्यान से देखें आप लोग, I और Na बन के निकल जाएंगे NaI, सोडियम आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड। कितने आई है, 3 आई हैं, तो 3 ये भी होने चाहिए, तो ये निकल गए जी 3, ठीक है? उसके बाद H2O बन के निकलेंगे 3 हमारे पास, कितने, 3H2O। बात समझ में आ गई, बस इतना करना है और इन सबको जोड़ देना है, इतना कर कर जोड़ देना है, ठीक है? पहले आप इसे दोबारा समझ लीजिए, एसिटाइल ग्रुप के साथ हमने आयोडीन को रिएक्ट कराना है, फिर रिएक्ट कराने के बाद एक ये कंपाउंड बनेगा, इस कंपाउंड को हमें क्या करना है, NaOH के साथ रिएक्ट कराना है, तो हमारे पास सोडियम का सॉल्ट बनेगा एसिड में, फिर हमारे पास और क्लोरोफॉर्म बनेगा सॉरी, तो फिर अगेन हमें इसका फिर दोबारा से NaOH के साथ कराना है, तो यहां पर सोडियम आयोडाइड सोडियम आयोडाइड और हमारा H2O बनेगा। अब इनको हमें जोड़ के लिख देना है, तो जरा देखिए जो कट रहे हैं उन्हें काट दीजिए। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 3HI से 3HI कट जाएगा, इस पूरे से ये पूरा कट जाएगा, और कुछ कट रहा है, और कुछ नहीं कट रहा है, तो बस अब लिख दीजिए सब कुछ जोड़ जाड़ के। देखिए इसे लिख दीजिए सबसे पहले, इसका नाम क्या है, CH3COR, इसे बिठा देते हैं, प्लस 3I2 प्लस यहां से और क्या बचा, ये बचा और ये बचा, इन दोनों को जोड़ दिया, 3 ये और एक ये, 4 NaOH रिएक्ट करेंगे किसके साथ, यहां से कुछ नहीं बचा लेकिन यहां से ये बचा है और ये बचा है, चार तरह के कंपाउंड बचे हैं, तो CHI3 प्लस यहां बच जाएगा R COONa प्लस यहां बचेगा 3NaI प्लस फिर बचेगा 3 वाटर के मॉलिक्यूल्स बचेंगे। लीजिए ये बन गया आपका क्लोरोफॉर्म, जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बनी आपकी पूरी क्लोरोफॉर्म बनाने की मेथड, यह है पूरा आपका क्लोरोफॉर्म बनाने का मेथड, आपको याद रखना है, तो आप इसे एक बार देख लीजिए, बहुत अच्छी है। इसके अलावा मैं एक और करके दिखाऊंगा आपको, ये तो था हमारा आयोडोफॉर्म था, अब मैं आपको बनाऊंगा क्लोरोफॉर्म या ब्रोमोफॉर्म बनवा ले, कोई सा भी बनवा सकते हैं, प्रोसेस यही रहेगा, बस आई की जगह पर चेंज हो जाएगा, तो मैं एक बार और दिखा देता हूं आपको, इसे देख लीजिए फिर बिठा देते। तो हमें क्या चाहिए, एसिटाइल ग्रुप चाहिए, तो सबसे पहले एसिटाइल ग्रुप ये है हमारे पास, हमने आर ले लिया, R की जगह मैं यहां पर CH3 भी ले सकता हूं, कुछ भी ले लीजिए, फिलहाल मैं R लेके चल रहा हूं, R ले लीजिए, आपको यहां BR जो भी आपको बनाना, मुझे ब्रोमाइड बनाना, तो मैंने BR ले लिया, NaOH के साथ कराते हैं ना, तो NaOH के साथ अभी हम नहीं लिखेंगे, अब हमें रिएक्ट कराना, तो ये BR इसके 3 हाइड्रोजन को लेकर निकल जाएगा और हमें 6 चाहिए, तो 3 क्या हो जाएगा HBr प्लस, और बाकी का सब चीज इसके साथ जुड़ेगी, क्या बनेगा C 3Br इससे जुड़ जाएंगे, फिर क्या जुड़ा, देखिए यहां से तीनों जुड़ गए, तो COR सेम रहेगा, समझ रहे हैं आप लोग? उसके बाद आप उस कंपाउंड को ले लीजिए Br3C फिर COR, अब हमें इसको कराना है NaOH के साथ रिएक्ट, जब NaOH के साथ रिएक्ट होगा तो ये वाला हाइड्रोजन इस वाले बॉन्ड को तोड़ देगा और यहां पर खुद लगेगा, तो ये क्या बनेगा CHBr3 ये बनेगा, ये तो हो गया ब्रोमोफॉर्म। उसके बाद जो बचा उन्हें सबको एक साथ लिख लीजिए RCOONa, ये फिर अगेन दोबारा से वही बन गया, अब मैं इसे बिठा देता हूं सॉरी, अब किसका करते हैं HBr का, ये जो कंपाउंड है इसका भी तो कराना है ना NaOH से, तो हमें 3NaOH लेने पड़ेंगे, तो हमारे पास क्या बनेगा NaBr
Br बनेगा, वो भी तीन मॉलिक्यूल प्लस 3H2O बनेंगे। इन सबको आप जोड़ दीजिए, यहां से ये कट जाएगा और आपका ये वाला कंपाउंड आपका इस कंपाउंड से कट जाएगा, जो बचा उसे लिख दीजिए CH3COR+K3Br2+K4Na, तीन ये और एक चार, चार एन ए ओ एच, इसके साथ हमारा क्या बनेगा CHBr3+K ये आर सी डबल ओ एन ए प्लस ये 3NaBr और प्लस 3H2O, ये आपकी इक्वेशन है। तो दोस्तों ये जो मैंने वीडियो बनाई थी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस की, अनसोल्ड में मैंने सारी देखी हैं और मैंने मुझे जो इंपॉर्टेंट लगी मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की है। एक वीडियो और बनाऊंगा इसकी मैं पार्ट टू, उसमें सारी इसके आगे की रिएक्शंस होंगी, उन रिएक्शंस को आप जरूर से जरूर पक्का करना क्योंकि वो भी आपके अनसोल्ड में एग्जाम में आई हुई हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो भूलें ही नहीं। तो केमिस्ट्री में जितनी वीडियो मैंने आपको अवेलेबल कराई है उनको आप देखते रहिए, जल्द ही मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक हमारी शुभकामनाएं आपके साथ।